फ्रेंड्स, इसमें दिया गया द सम ऑफ फाइव कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 260। फ्रेंड्स, लास्ट दिया गया था द एवरेज ऑफ, लेकिन इस बार दिया सम, तो सबसे पहले हम एवरेज निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन नंबर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है 260 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5। तो 260 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 52 आ जाएगी हमारी एवरेज। तो अब फ्रेंड्स बना द सम ऑफ फाइव कंसेक्यूटिव इवन नंबर, फाइव नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, तो एवरेज निकल के आई 52। तो फ्रेंड्स, फाइव नंबर होंगे तो एवरेज आएगी थ्री पे, थर्ड नंबर पे, यानी कि 52। नंबर है इवन तो 52 के आगे आएगा 54, 56, पीछे आएगा 50 और 48। फ्रेंड्स पूछा है फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर एंड हाफ ऑफ द स्केयर ऑफ लार्जेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर और हाफ ऑफ द स्केयर ऑफ लार्जेस्ट नंबर का सम करना है। स्मॉलेस्ट नंबर है 48, तो प्लस हाफ ऑफ, हाफ होगा 1/2 स्केयर ऑफ लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर है 56 का स्केयर। तो फ्रेंड्स, जहां से बनेगा 48 प्लस 56 का स्केयर बनेगा आपका 3136 अपॉन 2। तो फ्रेंड्स, जब 2 से कटेगा 1568, तो 48 प्लस 1568 करेंगे तो आपका बन जाएगा 1616 ही है आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। द एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट इज 18, 25 रिजल्ट की एवरेज है 18। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 रिजल्ट इज 14। फ्रेंड्स कहता है कि 25 रिजल्ट की एवरेज है 18, फर्स्ट 12 रिजल्ट की 14 है और लास्ट 12 की 17 है, तो हमने 13th की निकालनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम, फ्रेंड्स अगर मैं 25 रिजल्ट के सम से फर्स्ट 12 के रिजल्ट का सम और लास्ट 12 के रिजल्ट का सम निकाल दूं तो बीच में कौन सा बनेगा, 30 नंबर वाला, वो ही हमने निकालना है। तो 25 रिजल्ट की एवरेज है 18, तो सम बन जाएगा 25 मल्टीप्लाई 18। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इसके सम से फर्स्ट 12 वाला सम भी और लास्ट 12 वाला सम भी निकाल दूं, माइनस कर दूं, तो हमारे पास बचेगा 13 रिजल्ट। तो 13th रिजल्ट जहां से बनेगा, फर्स्ट 12 का सम बनेगा 12 मल्टीप्लाई 14 प्लस 12 मल्टीप्लाई 17। तो फ्रेंड्स, 25 मल्टीप्लाई 18 करेंगे तो 450 बनेगा, इसमें से माइनस कर देंगे, 14 मल्टीप्लाई 12 बनेगा आपका 168 प्लस 17 मल्टीप्लाई 12 बनेगा 204। तो फ्रेंड्स, 450 में से माइनस करेंगे इन दोनों का सम, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो बन जाएगा 372। तो फ्रेंड्स, इन दोनों को माइनस करेंगे तो बनेगा 78, जो हमारा होगा 13th रिजल्ट। फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा 78। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। फ्रेंड्स, कभी भी आपको नंबर ऑफ पर्सन एडेड, इंक्लूड या इंक्रीज, तीनों का सेम ही मतलब है कि नंबर ऑफ पर्सन, कभी भी नंबर ऑफ पर्सन ऐड होंगे, इंक्लूड होंगे या इंक्रीज होंगे, तो उसको हमने डायरेक्ट निकालने की ट्रिक है, हमने उसे टोटल पर्सन मल्टीप्लाई इंक्रीज एवरेज प्लस ओल्ड एवरेज इनटू नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हो, कितने हो रहे हैं वो कर देना उसे। तो फ्रेंड्स, जहां पे है द एवरेज ऑफ 36 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 14 ईयर, 36 स्टूडेंट की एवरेज है 14 ईयर। इफ द टीचर इज इंक्लूडेड, अगर टीचर की भी एज उसमें डाल दी जाए तो देन द एवरेज इंक्रीज बाय 1, तो एवरेज इंक्रीज हो जाती है 1, यानी कि पहले 14 थी तो फिर 15 हो जाती है। तो फाइंड द टीचर एज, हमने उस टीचर की एज बतानी है। तो फ्रेंड्स, जहां से टीचर एज निकलेगी, पहले निकलेगा टोटल पर्सन, तो फ्रेंड्स 36 स्टूडेंट हैं और एक टीचर भी जब इंक्लूड हुआ तो 37 बन गए टोटल पर्सन।
इंटू इंक्रीज एवरेज, इंक्रीज एवरेज जब टीचर इंक्लूड हुआ तो देन द एवरेज इंक्रीज बाय वन, यानी कि वन इंक्रीज हुई एवरेज, प्लस ओल्ड एवरेज। तो फ्रेंड्स 36 स्टूडेंट की एवरेज थी 14, यानी कि 14 प्लस नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज, कितने पर्सन इंक्रीज हुए फ्रेंड्स, टीचर एज इंक्लूड हुई, यानी कि टीचर इंक्लूड हुआ वन। तो जहां से 37 इंटू वन 37 बनेगा प्लस 14 फ्रेंड्स, जहां पे मल्टीप्लाई आएगा सारी 14 इंटू वन बनेगा 14, तो 37 प्लस 14 51 ईयर एज होगी उस टीचर की। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं। फ्रेंड्स सेम अगर नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज या एडेड की जगह डिक्रीज या एक्सक्लूड होगा तो इसकी ट्रिक होगी रिमेनिंग पर्सन इंटू डिक्रीज एवरेज प्लस ओल्ड एवरेज इंटू नंबर ऑफ पर्सन डिक्रीज, नंबर ऑफ पर्सन यानी कि कितने पर्सन कम हुए हैं। तो द एवरेज ऑफ फाइव नंबर इज 27, क्वेश्चन में दिया कि एवरेज ऑफ फाइव नंबर, पांच नंबरों की एवरेज है 27। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, अगर उसमें से एक नंबर निकाल दिया जाए देन द एवरेज बिकम, तो एवरेज कम होकर बन जाएगी 25। तो फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर, तो हमने वो नंबर निकालना है जो हमने निकाला है। तो एक्सक्लूडेड नंबर निकालने के लिए सबसे पहले रिमेनिंग पर्सन, तो फ्रेंड्स टोटल पर्सन है 5, द एवरेज ऑफ 5 नंबर है, तो 5 नंबर इज 27 इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक नंबर जब निकाल दिया तो रिमेनिंग पर्सन बच गए 4। इंटू डिक्रीज एवरेज, तो पहले एवरेज 27 थी फिर 25 हो गई, कम कितनी हुई 2, प्लस ओल्ड एवरेज, तो फ्रेंड्स द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 27, ओल्ड एवरेज है 27। इंटू नंबर ऑफ पर्सन डिक्रीज, कितने पर्सन डिक्रीज या कितने नंबर डिक्रीज हुए इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक नंबर हुआ है कम, तो फ्रेंड्स 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 8 बनेगा, प्लस 27 मल्टीप्लाई 1 होगा तो 27 आएगा, तो 8 प्लस 27 बन जाएगा 35। तो एक्सक्लूडेड नंबर जो हमने निकाला है बाहर वो है 35, वो 35 ही है आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं। द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 77, फ्रेंड्स कहते हैं कि 3 नंबरों की एवरेज है 77। द फर्स्ट नंबर इज 2 टाइम्स द सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर जो है वो दुगुना है सेकंड नंबर से, एंड द सेकंड नंबर इज 2 टाइम्स द थर्ड नंबर, और सेकंड नंबर दुगुना है थर्ड नंबर से। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले लेट करेंगे थर्ड नंबर, फ्रेंड्स थर्ड नंबर को हम लेट कर लेते हैं एक्स है, फिर वो बोलते हैं द सेकंड नंबर इज 2 टाइम्स द थर्ड नंबर, सेकंड नंबर दुगुना है थर्ड नंबर से, तो यानी कि सेकंड नंबर होगा 2x। फिर बोले द फर्स्ट नंबर इज 2 टाइम्स द सेकंड नंबर, जो फर्स्ट नंबर है वो दुगुना है सेकंड नंबर से, सेकंड नंबर अगर 2x है तो फर्स्ट नंबर यहां से डबल होगा यानी कि 4x। अब स्टार्टिंग में बोला द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 77, तो एवरेज होती है सम अपॉन नंबर, तो जहां से एवरेज दी है 77 तो सम होगा तीनों नंबरों का एक्स प्लस 2x प्लस 4x अपॉन नंबर है फ्रेंड्स 3, 3 होगा, तो जहां से 77 इक्वल टू 4 और 2 6 और 1 7x अपॉन 3 बन जाएगा, जहां से 7 और 11 मल्टीप्लाई 7 होगा 77, तो जहां से 11 इक्वल टू एक्स अपॉन 3, तो जहां से फ्रेंड्स x निकल के आएगा 11 इंटू 3 यानी कि 33, x आ गया आपका 33। तो फ्रेंड्स जहां से फिर वो आपको अगर फाइंड फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर या थर्ड नंबर कोई भी नंबर पूछे तो आपने जैसे कि फर्स्ट नंबर सेकंड थर्ड नंबर पूछा है तो x आपका आया 33, फर्स्ट नंबर आपने लेट किया 4x, तो यानी कि 4 मल्टीप्लाई 33 करेंगे तो 132 होगा फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर है 2x यानी कि 2 मल्टीप्लाई एक्स है हमारा 33, 66 होगा, और फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर है x, तो x आया हमारा
33। तो फ्रेंड्स जहां से आपका फर्स्ट नंबर बना 132, सेकंड नंबर बना 66 और थर्ड नंबर बना 33। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूजडे एंड वेडनेसडे वॉज 40°C। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ट्यूजडे वेडनेसडे एंड थर्सडे वॉज 41°C। इफ द टेम्परेचर ऑन थर्सडे भी 42°C देन फाइंड द टेम्परेचर ऑन मंडे। फ्रेंड्स कहता है कि द एवरेज टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर मंडे ट्यूजडे और वेडनेसडे का था 40°C। तो यहां से सम निकल के आएगा मंडे प्लस ट्यूजडे प्लस वेडनेसडे का 40°C। तो फ्रेंड्स एवरेज होती है, ये एवरेज है, एवरेज है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है, तो जहां से मंडे प्लस ट्यूजडे प्लस वेडनेसडे निकल के आएगा, सम निकल के आएगा एवरेज इनटू नंबर, तो नंबर 3 है, यानी कि जहां से 120°C बन जाएगा। सेम फ्रेंड्स नेक्स्ट है ट्यूजडे वेडनेसडे और थर्सडे, ट्यूजडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे का है 41। तो जहां से 41°C मल्टीप्लाई 3 होगा तो बन जाएगा 123°C। फ्रेंड्स आप इनको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मान लो, तो सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो फर्स्ट फ्रॉम सेकंड होगा तो फ्रेंड्स ट्यूजडे वेडनेसडे कैंसिल हो जाएगा और आपका बनेगा थर्सडे माइनस मंडे इक्वल टू बनेगा 123 माइनस 120 हुआ तो 3°C। फिर फ्रेंड बोला इफ द टेम्परेचर, अगर मंडे का सॉरी अगर थर्सडे का टेम्परेचर 42° था, यानी कि थर्सडे का टेम्परेचर आ गया आपका 42°C माइनस मंडे इक्वल टू 3°C। तो जहां से फाइंड द टेम्परेचर ऑन मंडे, मंडे का टेम्परेचर फाइंड करना है, तो फ्रेंड्स 42°C मंडे माइनस में है तो उस साइड चला जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और जो 3 इस साइड आया तो माइनस का हो गया, तो जहां से 42 माइनस 3 गया तो 39°C हो गया मंडे, यानी कि मंडे का टेम्परेचर था 39°C और 39° ही है आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स ये था आपका एवरेज। इसी के नेक्स्ट टॉपिक में हम किसी और सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू क्लास।